सभी का आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जल्द ही हो सकता है नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, ये बड़ी जानकारी। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर है, जल्द ही नाम का ऐलान हो सकता है ये कहा जा रहा है। और देखिए स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है, और कल ही स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया। उसके बाद से अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है, ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बना दिया गया है, और देखिए ये कहा जा रहा है कि आज कल या फिर कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो सकती है, नाम का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ संगठन में भी बहुत बदलाव होने हैं, ये बड़ी जानकारी यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है। और चलिए यूपी भाजपा कार्यालय से हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, क्या जानकारी उनके पास है ये जान लेते हैं। शैलेश, लंबे वक्त से लंबा मंथन भी इसको लेकर चल रहा है, और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है स्वतंत्र देव सिंह को, कल ही ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई, और उसके बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि कभी भी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है यूपी भाजपा को लेकर। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर सोर्सेज की माने तो शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है कि किसको बागडोर देनी है उत्तर प्रदेश की, किसको कमान देनी है प्रदेश अध्यक्ष की, और सिर्फ नाम का ऐलान होना बाकी रह गया है। जहाँ तक बात की जाए स्वतंत्र देव सिंह को लेकर, जो भाजपा के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, तो देखिए उनको दो जिम्मेदारियाँ हाल में मिली। एक, उनको कैबिनेट मंत्री अभी बनाया गया योगी मंत्रिमंडल में दूसरे कार्यकाल में, और मंत्री भी बनाया गया बहुत ही अहम विभाग का, जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जो बहुत ही बड़ा बहुत ही अहम विभाग है, उसमें उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और उसके बाद एक और अब जिम्मेदारी दी गई है विधान परिषद में नेता सदन की, जो अभी तक डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हुआ करते थे पहले, अब उनकी जगह पर स्वतंत्र देव सिंह को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो निश्चित रूप से दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक पूरे विभाग की, बहुत बहुत ही बड़े विभाग की, और दूसरी नेता सदन की भूमिका। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल अगर बात करें, स्वतंत्र देव सिंह जयपुर में है, वहाँ पर जो एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन को बुलाया गया है जयपुर में, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो गए हुए हैं। लेकिन अब बहुत जल्द नए नाम पर मोहर लगने के बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। चर्चा इस बात की है कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पिछड़े वर्ग या ब्राह्मण, इन दो में सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। इन दो में से कोई एक बड़ा चेहरा हो सकता है, क्योंकि जो तैयारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष का चयन है, वो 2024 को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि किस तरह से आगे 2024 के किले को फतेह करना है, क्योंकि लगातार चार पारियां शानदार रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022। तो पाँचवीं पारी जो 2024 की है उसको लेकर सारा मंथन है, कवायद है। हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री भी लखनऊ आए थे, उन्होंने मंत्रियों के साथ में जब बैठक की थी मुख्यमंत्री आवास पर, और करीब चार घंटे मुख्यमंत्री आवास पर रुके थे। इससे पहले कभी वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आए और इतना लंबे समय दिया हो। तो वहां पर भी जो चर्चा थी मंत्रियों से जब हमने बात की, तो सोर्सेज की माने उसमें भी कामकाज को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जो लक्ष्य था वो आगे कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रख करके किस तरह से जनता का विश्वास जो है वो आगे भी जीत कर रखना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर तो पार्टी जो है, वैसे भी देखिए भाजपा के लिए कहा जाता है एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर आप इस बार के चुनाव के परिणाम को भी देखिए, तो 2022 के जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, अभी परिणाम सामने आए और उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे लगातार होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को देखिए, भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर लगातार जुटी रहती है, और अब जो तैयारी है वो 24 की। एक तरफ देखिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, तो दूसरी तरफ संगठन में कई और भी बदलाव होंगे। उसके पीछे देखिए वजह है, भाजपा की जो नीति है वो है एक व्यक्ति एक पद की। वर्तमान में अगर देखिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के पास जो पद है वो मंत्री का भी है, प्रदेश अध्यक्ष का भी है, नेता सदन की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ऐसे में अगर पद की बात करें तो अब उनके पास मंत्री पद है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने। दूसरे नामों पर अगर बात करें तो जेपीएस राठौर का नाम आप देख सकते हैं, उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से आप परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम देख सकते हैं। तो जिन लोगों को जो प्रदेश, ये दोनों ही लोग जो है वो प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं भाजपा के, ऐसे में जिनके पास कोई पद है उसको लेकर भी जिस नाम को भी फाइनल किया जाएगा वो नाम अपने आप में बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। वाराणसी से बड़ी जानकारी है, ज्ञान वापी केस में सुप्रीम
कोर्ट का आदेश आया है। ज्ञानवापी विवाद जिला जज को ट्रांसफर किया गया है और अगले 8 हफ्तों तक जिला जज को सुनवाई करनी होगी पूरी, और सुनवाई पूरी होने तक सील रहेगा शिवलिंग वाला जो एरिया बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा है कि सुनवाई पूरी होने तक वो पूरा एरिया सील रहेगा। आज दोनों पक्ष के वकील जिला जज को अप्रोच कर सकते हैं ऐसी खबर है, और आगे की तारीख के लिए दोनों पक्षों के वकील जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 21 जुलाई की तारीख मुकर्रर है जब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद को लेकर अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस एक बार फिर से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया और अगले 8 हफ्तों तक जिला जज को सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुनवाई पूरी होने तक जो शिवलिंग वाला एरिया हिंदू पक्ष बार बार बता रहा है, रिपोर्ट में भी जिसका जिक्र है, उसको सील ही रखा जाएगा। तो देखिए ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ये केस ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनके पास 25 सालों का लंबा अनुभव है। और इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने, अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 17 मई को लागू किया गया ये आदेश 8 सप्ताह यानी कि 17 जुलाई तक एज इट इज रहेगा, लागू रहेगा, और उसके बाद ही इस पूरे मामले की शीर्ष अदालत में दोबारा से सुनवाई होगी। वहीं वाराणसी जिला कोर्ट में अब 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपके सामने है। और देखिए जिला अदालत में भी अब ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां पर भी जिला जज जो है वो इस पूरे मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिला जज पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, उन पर संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास 25 सालों का लंबा अनुभव है और इसलिए ये केस जिला जज को ही ट्रांसफर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पूरे केस को लेकर। अब देखिए 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी होनी है। और हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ बने हुए, अविनाश तिवारी दिल्ली से बने हुए। सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश देखिए अब जिला जज को ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया गया है, 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 8 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरी सुनवाई को पूरी कीजिए। अब इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है नीतीश? दीपा जानकारी की बात बता दूं तो सोमवार से इस पर सुनवाई शुरू होगी और इस मामले से जुड़े हुए वादी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो दिल्ली से चलकर कल वाराणसी पहुंच जाएंगे। कल 2 बजे के बाद दिल्ली से चलकर वाराणसी अधिवक्ता पहुंच जाएंगे। आज वादी और प्रतिवादी पक्ष जिला जज से मिल सकता है, सूत्रों से के हवाले से ये भी खबर है कि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही अगर जानकारी होती है पूरी तो इसमें पेपर वर्क भी करना होगा, तो पेपर वर्क का आज पूरा एक मसौदा तैयार करने की भी सूचना है कि दोनों पक्षों की ओर से, चाहे वो वादी और प्रतिवादी पक्षों, दोनों ओर से कागजी कार्रवाई यानी कागजी घोड़ों की जो अपनी लिखित प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो आज का दिन कोर्ट में दोनों पक्षों, चाहे वो वादी पक्ष हो या प्रतिवादी पक्ष हो, उनके लिए अहम है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के बाद जिला जज के यहाँ ये केस जाएगा और वहाँ पर आपको खास तैयारी करनी होगी। जहाँ से बात कर रहे थे अभी, जैसा मैंने अपडेट भी बता दिया कि सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है और कल इस मामले से जुड़े हुए जो अधिवक्ता वादी पक्ष के हैं वो वाराणसी पहुंच जाएंगे। दीपा ठीक है नीतीश, इस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। वाराणसी में क्या कब कब हलचल इस पूरे मामले को लेकर होती है इस पर भी लगातार नजर होगी। अविनाश भी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने जो हर एक टिप्पणी की वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है इस पूरे विवाद को लेकर। अब जरा आप बताएं विस्तार से क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नई जानकारी है इसको लेकर। अविनाश देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे अपना ये लिखित आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा है कि जिला जज 8 हफ्ते के अंदर ये सुनवाई पूरी करें। तो चूंकि अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कल देर रात लिखित आदेश आ चुका है और वो संभवतः कल रात में या फिर आज दिन में ही वाराणसी के जिला जज को मिल जाएगा, जिसमें विस्तृत आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि किस तरीके से कौन कौन से आदेश को उनको लागू करना है और किस तरीके से आगे सुनवाई करनी है। तो जिला जज पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं आगे सुनवाई करने के लिए, लेकिन एक बाध्यता जरूर उनके ऊपर है कि उनको 8 हफ्ते में पूरी सुनवाई
सुनवाई करनी है, यानी कि 2 महीने का वक्त है उनके पास और 20 जुलाई तक का उनके पास कह सकते हैं एक तरीके से वक्त है, क्योंकि 21 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो लिहाजा 20 जुलाई के पहले पहले वाराणसी के जिला जज हैं उनको इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी करनी होगी। और जैसा हमारे सहयोगी नीतीश बता रहे थे कि जो तमाम सारे पक्षकार हैं, वकील हैं, वो दिल्ली से जा चुके हैं। कई सारे वकील अगर बात करें तो कल भी पहुँचेंगे वहाँ और परसों वाराणसी के जिला जज को अप्रोच किया जा सकता है कि वो इस मामले पर पूरी सुनवाई शुरू करे। जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, अब वो सिविल कोर्ट से मामला आ करके जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी, जहां पे तमाम सारे जो वकील हैं अपनी दलीलें रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए, और इसके साथ साथ जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए वजू के लिए एक अलग से वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराया जाए। तो ये दोनों जिम्मेदारी वाराणसी के डीएम के ऊपर है। वाराणसी के डीएम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस शिवलिंग को सुरक्षित करें और वजू के लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों से बात करके वहाँ पर एक वैकल्पिक स्थान को मुहैया कराएं। तो ये वाराणसी के डीएम कराएंगे, तो वहीं वाराणसी के जो जिला जज हैं वो इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू करेंगे। और जैसा सहयोगी नीतीश बता रहे थे कि सोमवार से इस मामले में अप्रोच होकर सुनवाई शुरू हो सकती है, तो वही होगा। और क्योंकि जिस तरीके से 20 जुलाई के पहले पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, तो वाराणसी के जिला जज को ये करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके लिए यह बाध्यता है कि 8 हफ्ते में पूरी सुनवाई पूरी करें। चलिए ठीक है, जिला जज को इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी करनी है, 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अब सुनवाई कब शुरू होती है, कब पूरी होती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। शुक्रिया आपका अविनाश और नीतीश पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में नए विधायकों की ट्रेनिंग आज भी जारी रहेगी। आज प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी मंत्रियों और सदस्यों को विधानसभा के भीतर मंडप में ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से सभी मंत्रियों और सदस्यों की ई विधान सिस्टम को लेकर ट्रेनिंग शुरू होगी, और जो विधानसभा के मंडप में होगी ये पूरी ई ट्रेनिंग, और सभी को बताया जाएगा कि कैसे टैबलेट को ऑपरेट करना है। इसके अलावा आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का समापन भी करेंगे, और समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायकों को संबोधित करेंगे। तो आज दूसरा और आखिरी दिन है ई विधान सिस्टम को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है सभी मेंबर्स को, और सीएम योगी नए विधायकों को संबोधित भी करने वाले हैं। सीएम योगी अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कहते हैं इस पर भी लगातार नजर होगी, और नए विधायकों को विस्तार से बताया जाएगा जो टैबलेट है उसको ऑपरेट किस तरीके से करना है। 2 बजे ट्रेनिंग की शुरुआत होगी, ये खबर है दोपहर। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस पूरे कार्यक्रम का समापन भी आज करेंगे। देखिए, नए विधायकों को ही ये पूरी ट्रेनिंग दी जानी है विस्तार से, उनको नए जो डिजिटल माध्यम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरीके से आगे और बढ़ाना है, उस पर किस तरीके से फोकस होना है, इस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, सपा विधानमंडल दल की बैठक के समय में बदलाव किया गया है। आज के बदले पहले की बैठक आज होनी थी, लेकिन अब आज के बदले अब कल सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, और कल दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। और ये बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि लखनऊ में प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है, प्रबोधन कार्यक्रम के चलते बैठक के समय में बदलाव किया गया है। और आज सभी विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम है, आज विधायकों को ए सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी, और शाम तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, विधायकों की ट्रेनिंग चलेगी, जिस वजह से ये बदलाव किए गए हैं, तब्दीलियां हुई हैं। 23 मई से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र, और इससे पहले सपा विधानसभा दल की ये बैठक होनी है, हुई थी इससे पहले, जब हुई थी 26 मार्च की वो तारीख है, और 26 मार्च की बैठक में अखिलेश को नेता विपक्ष चुना गया था। अब विधानमंडल दल की जो बैठक आज होनी थी उसको कल के लिए टाल दिया गया है। प्रबोधन कार्यक्रम का आज दूसरा और आखिरी दिन है, ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद कल पूरी रणनीति बनाएंगे अखिलेश यादव, किस तरीके से विधानसभा के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, क्या पूरा रोडमैप एक तरीके से होगा, क्या रणनीति होगी, इस पर वो विस्तार से विधायकों से बातचीत करेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर है, रात के अंधेरे में अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पुलिया के नीचे गिरे। लखनऊ से कानपुर जा रही आजाद नगर डिपो की बस रात करीब 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है पुलिया से नीचे गिरी। बस सवार 20 से अधिक यात्रियों में खलबली मच गई, चीख पुकार मची, और राहगीरों ने पुलिस की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, राहगीरों ने पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया, और 4 से 5 यात्रियों की गंभीर हालत है बताया जा रहा है, कुछ को मामूली चोटें आई हैं, घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। चालक को झपकी आने से, ये जानकारी है कि चालक को झपकी आ गई थी और इस वजह से यह हादसा हुआ होगा, ये अंदेशा जताया जा रहा है। अचलगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर हाईवे पर बदरका चौराहे की एक घटना है।
ओरिया से खबर है। ओरिया में रंगदारी ना देने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो आपके सामने है और जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पिटाई करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने। वही जिस युवक की पिटाई की गई है उसने भी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने दावा यह किया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाई जाएगी और बताया यह गया कि युवक से रंगदारी मांगी गई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल, इस पर पुलिस ने लिया है संज्ञान। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इन सभी पर कार्रवाई होगी। रंगदारी ना देने पर यह पिटाई की गई है, यह कहा जा रहा है। 12 से ज्यादा लोग किस तरीके से पीट रहे हैं युवक को आप देख सकते हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सरेआम बेरहमी से पिटाई की गई है और ये पूरा ही मामला पुलिस बता रही है कि रंगदारी का है। केस दर्ज भी किया गया है पीड़ित युवक की तरफ से और पुलिस भी इनकी लगातार तलाश कर रही है, दबिश दे रही है अलग अलग हिस्सों में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। देखिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, वहीं पर एक शख्स मौजूद जिसने अपने फोन में ये वीडियो कैद किया, तस्वीरें कैद की और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले में एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन सभी को दबोच लिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी।